गुड मॉर्निंग बच्चों, हमने इससे पहले पीरियड में आपको वो पढ़ाया था पार्ट पाँच लिंग, है ना। और आज हम आपको पढ़ाएंगे पार्ट छः वचन। वचन मतलब एक या अनेक नंबर। तो पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद फिर इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो वचन किसे कहते हैं? कोई वस्तु कई बार एक होती है तो कई बार अनेक। शब्द के इसी रूप को वचन कहते हैं, हैं? कई बार एक होती है, एक चीज़ होती है, चार चीज़ होती हैं। तो जो एक चीज़ हुई वो तो एक हुई, और जो चार चीज़ हुई वो अनेक हुई, हैं? तो इन्हीं को हम वचन कहते हैं। तो पहला पॉइंट है, जब एक वस्तु या एक प्राणी का पता चले तब उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, पुस्तक, है ना, लड़का एक लड़का, पुस्तक एक पुस्तक। दूसरा पॉइंट है, जब अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का पता चले तब उसे बहुवचन कहते हैं। जब अनेक वस्तुओं या अनेक प्राणियों का पता चले तो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के, पुस्तकें, है ना। लड़का तो एक ही लड़का होगा, और लड़के दो भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, दस भी हो सकते हैं, है ना। पुस्तक तो एक ही पुस्तक है, पुस्तकें अनेक हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं, दो, चार, छः, आठ, दस, है ना। तो ये एक हुई वो एक वचन, और जो अनेक हुई, बहुत सारी हुई, दो या दो से अधिक हुई, तो वो बहुवचन कहलाती हैं। इसमें देखो, पिक्चर में देखो, ये अब हम ये टेबल बनी हुई है, हैं, ऐसा समय, तो उसको हम देखते हैं। एक वचन, एक और अनेक, तो एक को एक वचन बोलते हैं और अनेक को बहुवचन बोलते हैं। एक, एक केला, और बहुवचन में तीन केले, एक से अधिक है ना, तो केला की जगह क्या बन गए? केले, तीन केले, ठीक है। एक पेंसिल, चार पेंसिलें, पिक्चर में दिख रही है ना, चार पेंसिलें हैं। एक चूहा, दो चूहे, है ना, एक तो चूहा हुआ, और जब दो हुए तो वो दो चूहा नहीं कहलाएगा, दो चूहे कहलाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक और अनेक, जाना ना आप लोगों ने कैसे एक और अनेक होते हैं। एक से अधिक वस्तुएं हुई तो वो अनेक कहलाती हैं, और एक से अधिक वस्तुएं हुई वही बहुवचन कहलाती हैं। एक वस्तु हुई तो एक वचन, और अनेक वस्तुएं हुई तो बहुवचन, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम इसकी ये टेबल पर वचन बदलना, इसको आप लोगों को कॉपी में अपना लिखना भी है, याद भी करना है। कॉपी में नहीं लिखना चाहो तो इसी में याद कर लेना है, ठीक है। जैसे एक वचन, एक वचन है किताब, और किताब को बहुवचन में क्या बोलेंगे? किताबें, ठीक है। एक वचन है किताब, और बहुवचन है किताबें। एक वचन है माला, और बहुत सारी माला हूँ तो मालाएं। एक चिड़िया, अनेक चिड़ियां, है ना। एक कुर्सी और अनेक कुर्सियां, या एक वचन कुर्सी, बहुवचन कुर्सियां। एक लड्डू, अनेक लड्डुओं। एक नदी और अनेक नदियां। एक घोड़ा, अनेक घोड़े। एक हाथी, एक वचन हाथी, और बहुवचन हाथियों। एक ऊंट और अनेक ऊंटों।
एक वचन अध्यापक और बहुवचन अध्यापकों, एक वचन स्कूल और बहुवचन स्कूलों, एक वचन छाता अने बहुवचन छाते, एक वचन तितली और बहुवचन तितलियां, एक वचन फूल और बहुवचन फूलों, एक वचन बेटा और बहुवचन बेटे, एक वचन कुत्ता और बहुवचन कुत्ते, एक वचन किसान और बहुवचन किसानों, एक वचन मछली और बहुवचन मछलियाँ, एक वचन लड़की और बहुवचन लड़कियाँ। ठीक है, तो ये वाली हमने टेबल पढ़ी, इसको अच्छे से याद कर लेना आप लोग और पढ़ लेना ध्यान से। पहले तो पूरा पाठ ही रीडिंग करना है यहाँ से लेकर के, ये भी रीडिंग करना है, ये भी रीडिंग करना है, ये वाली टेबल भी रीडिंग करना है, और रीडिंग करने के बाद दो तीन बार पढ़ेंगे तो लर्न भी हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये पाठ अपना पूरा हो गया, रीड हो गया पूरा। अब हम क्या करेंगे, अब अभ्यास करेंगे, क्या हमने सीखा, देखें आपने क्या सीखा, अब आप बताइए, है ना। वचन कितने प्रकार के होते हैं बताइए, वचन कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने शुरू में रीडिंग की थी ना, कि वचन ऐसे देखो, कोई वस्तु कई बार एक होती है और कई बार अनेक होती है, एक और अनेक, तो कितने प्रकार के वचन हो गए, दो प्रकार के, एक और अनेक। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, दो में निशान लगाएंगे। ठीक है, दूसरा है, एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाले वाला क्या होता है, एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला क्या होता है। एक वचन, द्विवचन, त्रिवचन, बहुवचन, एक से अधिक वचन, अधिक वस्तुओं का या प्राणियों का, एक से अधिक वस्तुएं चार भी हो सकती हैं, दो भी हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन वो द्विवचन और त्रिवचन नहीं कहलाएंगी, वो क्या कहलाएंगी, बहुवचन। ठीक है, तो एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला होता है बहुवचन। तो पहले में निशान लगाया आपने, वचन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। दूसरे में निशान लगाया बहुवचन। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक वचन और बहुवचन। अब हम दूसरा प्रश्न, एक सही विकल्प चुने, हो गया। दूसरा है, लिखिए, इनमें एक या अनेक लिखना है। कितनी चीज़ें आपको दिख रही हैं, यदि एक दिख रही तो उसमें एक लिखना है, तो अधिक बहुत सारी दिख रही तो अनेक लिखना है। ठीक है, तो ये घर बना हुआ है इसमें, है ना, तो कितने घर दिख रहे हैं इसमें, एक ही घर है, ये पीछे छोटा सा बना हुआ है, ये घर पेड़, बहुवचन तो दिख रहे हैं, दो घर दिख रहे हैं, दो पेड़ दिख रहे हैं, तीन पेड़ दिख रहे हैं, तो ये बहुवचन हो गया। ये अनेक लिखेंगे अपन, अनेक, दो घर हो गया ना, एक छोटा सा घर पीछे, एक आगे बड़ा घर, तो ये अनेक लिखेंगी यहाँ। दूसरा है, यहाँ तितली, तितलियाँ कितनी दिख रही हैं, एक दो तीन, तो तीन तितलियाँ हो गई, तो ये क्या हो गया, अनेक। ठीक है, अनेक हो गया। अब ये कितनी बिल्ली दिख रही हैं, एक, तो ये एक ही बिल्ली हो गई, तो एक लिखेंगे इसके नीचे, एक वचन हो गया ये। और ये अंत में, ये फूल कितने दिख रहे हैं, बहुत सारे दिख रहे हैं, एक दो तीन चार फूल दिख रहे हैं, तो ये हो गया अनेक, है ना।
ये हो गया अनेक। ये इसमें ही कन्फ्यूज़ है यार हम तो थोड़ा सा, कि कभी लगता है कि एक वचन ही लिखें क्या इसके नीचे, घर तो एक ही है ना, ये एक सड़क जा रही है तो इसमें एक वचन ही लिखना, एक लिखना, घर एक और बिल्ली एक और तितलियां अनेक और फूल अनेक, है ना, ऐसे लिखेंगे। घर के नीचे एक, तितलियों के नीचे अनेक, बिल्ली के नीचे एक और फूल के नीचे अनेक। ये हो गया। अब है ये प्रश्न नंबर 3, छांट कर ठीक शीर्षक के नीचे लिखो। इस वाले ये बना हुआ है, ये फूल बने हो, पत्तियां बनी हैं, इनमें से छांटना है कि क्या क्या एक वचन है और क्या अनेक है। तो जो एक है, जो एक चीज़ होगी उसको एक के नीचे लिखेंगे और जो बहुत सी चीज़ें होंगी उसको अनेक के नीचे लिखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये है एक, सबसे पहले अपन यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, सबसे नीचे से, घड़ियाँ, घड़ियाँ, घड़ियाँ मतलब, अच्छा यहाँ से नहीं है, पहले फूल से शुरू करते हैं, फूल से। आमों मतलब आमों, एक आम नहीं है, बहुत सारे आम है ना, तो यहाँ अपन लिखेंगे इसको आमों अनेक के नीचे, यहाँ लिखेंगे आमों। अब दूसरा है पत्ते, पत्ता नहीं है, पत्ते, इसको भी अनेक के नीचे लिखेंगे हम पत्ते, ठीक है। अब तीसरा है बालक, बालक मतलब एक है ना, इसको लिखेंगे हम एक के नीचे बालक, बालक को एक के नीचे लिखेंगे। और चौथा है घोड़े, घोड़े तो बहुत से होते हैं है ना, एक घोड़े एक होता है तो उसको घोड़ा बोलते हैं, है ना, तो घोड़े को भी हम अनेक के नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब है कलम, कलम, कलम मतलब एक ही है, कलमें नहीं है, है ना, तो एक कलम एक के नीचे लिखेंगे हम कलम। अब लिखा है सड़कें, सड़कें मतलब बहुत सारी, कई सड़कें, दो हों, तीन हैं, चार हैं, तो इनको अनेक के नीचे लिखेंगे हम सड़कें, ठीक है। अब है फूल, फूल तो एक ही है, फूल बहुत सारे होते तो फूलों लिखते, तो उसको फूल को नीचे लिखेंगे, फूल को लिखेंगे हम एक के नीचे, ठीक है। अब है पुस्तक, पुस्तक भी एक ही, समझ में आ रही है पुस्तक, तो इसको भी हम एक के नीचे लिखेंगे पुस्तक। और यह है बस्ते, बस्ते, बस्ते मतलब बहुत सारे, दो हैं, चार हैं, है ना, एक नहीं है, एक होता तो क्या लिखते हैं बस्ता, तो इसको लिखेंगे बस्ते को अनेक के नीचे। अब है घड़ियाँ, घड़ी नहीं है, घड़ियाँ मतलब बहुत सारी, अनेक, इसको लिखेंगे हम अनेक के नीचे घड़ियाँ। और अंतिम है घड़ा, घड़ा एक है, ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हम घड़ा, ठीक है, एक बार एक के नीचे लिखेंगे घड़ा। अब एक बार मिला लेंगे हम कि एक के नीचे हमने क्या क्या लिखा। एक के नीचे हमने लिखा, सबसे पहले लिखा बालक, उसके बाद लिखा कलम, ठीक है, कलम लिखा, उसके बाद लिखा फूल, नंबर 3 फूल, और नंबर 4 पुस्तक, पुस्तक लिखा, और नंबर 5 लिखा घड़ा, ठीक है। अब अनेक में क्या क्या लिखा हमने, सबसे पहले लिखा आमों, नंबर 2 पत्ते, नंबर 3 घोड़े, नंबर 4 सड़कें, नंबर 5 बस्ते, और अंत में घड़ियाँ, ठीक है। ये हुआ आपका एक अनेक।
ठीक है ना, इनके नीचे लिखना है। तो ये हो गया आपका, बाकी चैप्टर हम पूरा कल कराएंगे, और ये भी ये सब मूल्यांकन के लिए जो दिए गए हैं ये भी कल करा देंगे, ठीक है। तो अभी हो गया आपका ये यहाँ तक, ये सही जोड़ी भी कल कराएंगे हम, ठीक है। तो आपको होमवर्क में क्या क्या करना है, सबसे पहले तो क्या करना है, ये वचन कितने प्रकार के होते, पहले तो पढ़ना है, रीडिंग करना है, पाठ को पढ़ना है। रीडिंग हुई आपकी, सबसे पहले पाठ पढ़ना है, पाठ 6 वचन पढ़ना है, और इसकी ये परिभाषा है, इसको भी अच्छे से लर्न कर लेना है, ठीक है। उसके बाद ये एक वचन और बहुवचन ये भी पढ़ना है, पहचान लेना। रीडिंग अच्छे से करेंगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरा होमवर्क हो गया। अब उसके बाद क्या है, ये इसको भी वचन बदलना है, इसको अच्छे से लर्न कर लेना है और बहुत ध्यान से पढ़ना है तो लर्न भी हो जाएगी फिर, ठीक है। और होमवर्क में आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। सही विकल्प बता दिया ना हमने, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2 के आगे आपको निशान लगाना है, सही का राइट का। एक से अधिक प्राणियों या वस्तुओं का बोध कराने वाला क्या होता है, बहुवचन, ठीक है। ये हो जाएगा बहुवचन के आगे निशान लगाना है, ये होमवर्क करना है। अब एक या अनेक लिखना है, तो घर के नीचे एक लिखना है, तितलियों के नीचे अनेक लिखना है, बिल्ली के नीचे एक लिखना है, और फूलों के नीचे अनेक लिखना है, ठीक है। और फिर आपको छांट कर ठीक शीर्षक के नीचे लिखना है ना, एक जो जो वस्तुएं एक दी गई हैं वो एक के नीचे लिखना है, जो जो वस्तुएं अनेक दी गई हैं वो अनेक के नीचे लिखना है। एक के नीचे लिखना है आपको बालक, कलम, फूल, पुस्तक और घड़ा, ठीक है। और अनेक के नीचे लिखना है आपको आमों, पत्ते, घोड़े, सड़कें, बस्ते और घड़ियाँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क। और एक आपको सुलेख वाली जो बुक मिली है ना, एक पुस्तक मिली है ना सुलेख, जो उसमें एक पेज सुलेख करना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका होमवर्क है। बाकी ये वाला लेसन हम कल पूरा कराएंगे और ये भी कराएंगे पूरा, ठीक है। ओके, गुड डे।